बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का असली गुनहगार कौन है, इस पर सवाल अब भी बना हुआ है। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः विस्फोट था जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनाग्रह में सामने आ गया है। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। इच्छा तो राम मंदिर की थी। टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। एक सांप के सिर जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के आसपास की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। दो हनुमान गढ़ी, जहां हनुमान जी ने भगवान राम का इंतजार किया करते थे, उसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना गया। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा है। अयोध्या के पास इस जगह पर आज एक हनुमान मंदिर है जो हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। 3 हनुमान जी के पद चिन्ह रामायण में वर्णन है। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, इसीलिए जब वो श्रीलंका पहुँचे तो उनके पैर के निशान वहाँ बन गए जो आज भी वहाँ मौजूद है। 4 राम सेतु। रामायण और प्रभु श्री राम के होने का प्रमाण राम सेतु है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा है। इसकी खोज भी की जा चुकी है। ये सेतु ऐसे पत्थरों से बना है जो पानी में तैरते हैं। 5 तैरने वाले पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो पानी में तैर सके। ऐसे में नल और नील को मिले श्राप की वजह से वो सभी पत्थर जिन्हें नल और नील ने छुआ वो सभी पानी में तैरने लगे। उन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनसे पुल बनाया गया। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे। 6 द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। संजीवनी की पहचान न होने के चलते वो पूरा पर्वत ही लंका उठा लाए थे। कहा जाता है युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी को यथास्थान पहुंचा दिया था। 7 अशोक वाटिका। सीता हरण के पश्चात रावण जब उन्हें लेकर लंका पहुंचा तो माता सीता ने महल में रहने से इनकार कर दिया। जहां पर माता सीता को रखा गया वह अशोक वाटिका कहलाई। माता सीता अशोक के वृक्ष के नीचे बैठती थी। ये जगह सीता एलिया के नाम से प्रसिद्ध है। 8 लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के दौरान रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था। रावण को रोकने के लिए जटायु ने उससे युद्ध किया लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश मार्ग से जटायु जिस जगह पर आकर गिरे उसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 9 विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है लंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी करता था जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से धराशाही किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आज के हाथियों से बहुत ज्यादा था। 10 कोंडाकट्टुगाला। हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया था। उसे यह भय सताने लगा था कि हनुमान जी फिर से हमला न कर दें। रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टुगाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती थी। 11 रावण का महल। रामायण में वर्णन है कि रावण सोने की लंका में रहता था जिसे हनुमान जी ने जलाया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। 12 कालानिया। राम द्वारा रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनाया था। यह कैलानी नदी के किनारे स्थित था। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष मिले हैं।
13 लंका के अवशेष। रामायण लंका दहन का वर्णन है। हनुमान जी ने पूरे लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई है। 14 दिवुरंपोला। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था। पवित्रता प्रमाणित करने के लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने इस परीक्षा को दिया था। 15 रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा था। ब्रह्म हत्या को हटाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे। 1 शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था जो आज भी उस मंदिर में है। 16 जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण में सीता माता के पिता का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम जानकी मंदिर है। 17 पंचवटी। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है। अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम माता सीता माता और लक्ष्मण यहीं रुके थे। यहीं लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काटी थी। 18 कोणेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने करवाया था। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से अधिक रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। 19 गर्म पानी के कुएं। कोणेश्वरम मंदिर के निर्माण के दौरान रावण ने वहां गर्म पानी के कुंड भी बनवाए थे। मंदिर में आज भी गर्म पानी के वो कुंड मौजूद हैं जो राम रावण और रामायण की अमर गाथा को सत्य प्रमाणित करते हैं। 20 शिवरी नारायण। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनके भक्तिन शबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। शिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएगी। शबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया।